नमस्कार, मैं सीमा पाल, टीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। आज की वीडियो में हम आपको कॉफ़ी बनाना बता रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको चाय बनाना ही बताई थी। इसके लिए सबसे पहले हम गैस पे सॉस पैन रखेंगे, या तो बाद में रख सकते हैं गैस चलाने के बाद में। तो रखने का तरीका वही है, टच करते हुए हम इसे अच्छे से रखेंगे। इतने हम इसे सिम कर देंगे गैस को, और हम यहाँ पर 2 कप कॉफ़ी इस बना रहे हैं, तो 2 कप दूध डालेंगे, या आप पानी डालना चाहते हैं तो पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम दूध को गैस को तेज करके दूध को अच्छे से बॉइल्ड कर लेंगे। इस बीच में हम अगर हम चाहते हैं कि चीनी इसमें डाल के बॉइल करना है, तो जब बॉइल्ड हो जाए तो हम उसमें भी चीनी डाल सकते हैं। नहीं तो हम 1 कप में 1 चम्मच, यहाँ पर हम 2 कप कॉफी बना रहे तो 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे। 2 चम्मच थोड़ा कम हम टीस्पून से इसमें कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, और बाकी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की कॉफ़ी पसंद करते हैं, कि ज़्यादा हार्ड या स्ट्रॉन्ग या फिर बिल्कुल लाइट। और इस बीच में हम इसे फेंटेंगे थोड़ा दूध डालने के बाद में, जब गर्म हो जाए। अब अच्छे से दूध बॉइल्ड हो गया है, फिर इसके बाद आपको अपने कप में थोड़ा सा ही टच करते हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको कप में टच करते हुए सॉस पैन को इसमें थोड़ा दूध डालेंगे हम, और इसे कुछ समय तक हम अच्छे से फेंटेंगे। अगर आपके पास एग बीटर जो होता है उसका भी यूज हम अच्छे से कर सकते हैं। उसे आप जितने मतलब बहुत जल्दी कम मेहनत में अच्छे से इसके अंदर झाग आ जाते हैं, या फिर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर हो तो इस स्थिति में हम इसे भी थोड़ी सी देर ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद में वो अच्छे से इसमें झाग कम समय में अच्छे से झाग आ जाएंगे। आपको जैसी कॉफ़ी पसंद है वैसी बना सकते हो। हमने लगभग इसे 5 मिनट तक अपनी चम्मच से ही फेंटा है। अब हम इसे, लेकिन इसमें अभी भी कम झाग है, अगर आप बीटर का यूज करेंगे तो ये काफ़ी अधिक झाग हो जाते हैं ये मिक्सर ग्राइंडर का यूज करने पर। फिर हम इसे 2 कप में कर लेंगे आधा आधा, और फिर बाकी का बचा हुआ दूध, जो गर्म दूध है उसे हम इसके अंदर कॉफी के अंदर डाल देंगे। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऊपर से भी डाल सकते हैं। इस प्रकार ये कॉफी तैयार हो गई है। ये बिल्कुल सिंपल ही तरीके से, अगर आपको फेंटने में किसी भी प्रकार से दृष्टि बाधित को अगर परेशानी होती है, तो वो सिंपल दूध बॉइल्ड करें, उसी में चीनी डालिए, और फिर कप में दूध को डालो, और उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर मिलाइए, तो इस प्रकार भी आपकी कॉफ़ी इजीली बन जाती है। इसी के साथ अब मैं इस विषय पर चर्चा समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।